हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं त्रिश किचन और मैं हूं त्रिशा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाई हूं। ये चना दाल है विद कटहल। ये चिकन और मटन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके बताइए आपको ये कैसी लगी। और इसमें बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स भी है जो फटाफट बन जाएगी घर पे। जो हमारी जो हरदम मिलने वाले मसाले हैं उससे ही मैंने इसको बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको फटाफट देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप ट्राई कीजिए मस्टर्ड ऑयल यूज़ करने का। अगर ना हो तो आप कोई भी ऑयल से बना सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने तेज़पत्ता और ड्राई चिली दे दिया है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा दिया है, साबुत जीरा। तो जब तक ये चटकने लगे मैं इसके मसाले आपको बता दे दी हूँ कि क्या मैंने इसमें कौन सा मसाला ऐड किया है। मैंने यहाँ पर वन स्मॉल ऑनियन लिया है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं देना है, थोड़ा प्याज देना है। थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं, 6 to 7, और थोड़े से जिंजर लिए हैं। जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची और सिनेमन भी है, दालचीनी। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और पानी देकर इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। मेरे चैनल पर ये चने दाल और कटहल की एक विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक वाली भी रेसिपी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसमें जब तक तेल ना निकलने लगे तब तक हमें इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पर, ज़्यादा इसको हाई फ्लेम में नहीं रखना, इसको हम पकाएंगे। जब तक वो मसाले पक रहे हैं तब तक हम एक ड्राई मसाले का एक पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, टर्मरिक, चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स के चिली पाउडर यूज़ किए हैं, एक तो तीखा वाला और एक कश्मीरी चिली, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। इसको हम थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है। पानी में मिक्स करके इसको हमको 10 मिनट्स तक रख देना है, तो इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा और बेटर लगेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये है कश्मीरी मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। अगर आपके पास 10 मिनट तक रखने का टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। हम इस ड्राई मिक्सचर के पेस्ट को, जो अपना मसाला था, उसमें डाल देंगे। इसको भी हमें तेल निकलने तक अच्छी तरह से पकाना है, तो जो कच्चा स्मेल है वो अच्छी तरह से चला जाएगा। और जितना हम इसको पकाएंगे मसाले को, उससे ही हमारी सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए, इससे भी तेल निकलने लगा है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसमें मैं टोमेटो का प्यूरी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम टोमेटो को सॉल्ट और थोड़ा वाटर से मिक्सी में पेस्ट बनाकर रखा था। इसको हम अच्छे से मिलाकर इसको भी पकने देना है। जब तक ऑयल एंड मसाला सेपरेट ना हो तब तक हम इसको पका लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 2 to 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अभी इससे ऑयल सेपरेट होने लगा है। अभी हम इसमें कटहल डालेंगे। कटहल को मैंने काट के नमक और टर्मरिक के साथ, हल्दी पाउडर के साथ बॉईल कर रखा है। इसको 80% मैंने बॉईल कर रखा है। इसको हम अच्छे से धीमी आंच पे 10 टू 15 मिनट्स तक इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे हमारा जो सारा मसाला है वो कटहल के अंदर चले जाए। जितना हम मसाले में अच्छी तरह से कटहल को पकाएंगे, कटहल उतना ही टेस्टी बनेगा। अभी मैं यहाँ पर 1 to 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप ये घी पहले भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो घी का फ्लेवर है वो कटहल में अच्छी तरह से चले जाए। आप ये चना दाल विद कटहल की सब्ज़ी
राइस, रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे पर्सनली ये राइस के साथ ज़्यादा पसंद है। इसमें अभी हम चने की दाल डालेंगे। इसको मैंने होल नाइट भिगो कर रखा था, फिर इसको मैंने 2 सीटी तक बॉईल किया है। याद रखिए कि एकदम मशीनी होना चाहिए। ये जो चना दाल सॉफ्ट होगा, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होगा। ये देखिए, आप इनको दोनों हाथ से लोगे तो ये सॉफ्ट होना चाहिए इस तरह का। तो इसको पूरा आप मिक्स मत कीजिए। तो अभी हम चने की दाल इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, अगर इसमें सॉल्ट चाहिए तो ऐड कर लेंगे। ये दाल ना तो बहुत ही थिन होगा ना बहुत थिक होगा। इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तब इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए, दाल मैंने डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से मसाले और कटहल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टाइम अभी नहीं लेगा, ये विद इन 10 मिनट्स रेडी हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। हमने सॉल्ट मसाले के साथ डाला है तो आप एक बार चेक कर लीजिए फिर डालिए। और थोड़ा सा चीनी डालूंगी, ये ऑप्शनल है, बट चीनी से इसका टेस्ट बैलेंस होता है। आप हो सके तो डालिए, थोड़ा सा डालिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, दाल ऑलमोस्ट रेडी है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं थोड़े से ग्रीन चिलीज डालूंगी। ग्रीन चिलीज को मैंने नीचे से थोड़ा काट के डाला है जिससे ये तीखा भी ना हो और इसका फ्लेवर भी ज़्यादा आए। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा ग्रीन चिलीज डालिए, बीच में से काट कर डालिए। ये देखिए, ये एकदम रेडी है। ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको अभी हम सर्व कर लेंगे। आप ये गर्मा गर्म खाइए, ये बहुत ही यमी लगते हैं खाने में। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। और एक चीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, इसका जो नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी है वो भी है मेरे चैनल पर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वो भी ट्राई कीजिए। इस दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।